पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध पर बिजली कर्मियों और अभियंताओं ने कार्य बहिष्कार किया और प्रदर्शन करते हुए पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से निजीकरण प्रक्रिया वापस लेने की मांग की। यूनियन नेताओं ने कहा कि 5 अप्रैल 2018 को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ हुए लिखित समझौते उपक्रम में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जाएगी। कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लिए बिना उपक्रम में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा का पालन करते हुए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की। विद्युत क्रांति संघर्ष के समिति के तत्वाधान में इसमें सभी इंजीनियर्स हैं, लेखा संघ है, डीजीटू बाबू समस्त जो है संगठन है हमारा, उसके साथ हम निजीकरण के विरोध में, क्योंकि पूर्वांचल को ये बेच रहे हैं, आज पूर्वांचल को भी बेचेंगे, कल हमारा मध्यांचल दक्षिणांचल पूरा हमारा पावर सेक्टर बेच रहे हैं, इसका हम भी विरोध करेंगे और करते रहेंगे। क्या मांग है आप लोग? हमारी मेन मांग है इसका निजीकरण बंद किया जाए, मेन हमारा समस्या। बिजली कर्मियों ने यह भी कहा कि समझौते के अनुसार प्रबंधन बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों एवं अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही करें, जिस पर प्रबंधन द्वारा कुछ भी पहल नहीं की गई है। कहा कि समझौते के अनुसार निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त कर सुधार की कार्य योजना बनाई जाए, जिसके लिए बिजली कर्मी संकल्पबद्ध है। कहा कि सरकार कर्मचारियों के विरोध में कार्य कर रही है, जब तक निजीकरण का प्रस्ताव वापस नहीं होगा कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। इस विद्युत विभाग को निजीकरण क्षेत्र में दिए जाने को लेकर हो रहा है, इसमें बिजली विभाग के अभियंता से लेकर समस्त कर्मचारीगण सम्मिलित हैं और एकमात्र उद्देश्य है कि निजीकरण रोका जाए, निजीकरण से होने वाले नुकसान को जनता तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोग एकत्र होकर के इसका विरोध कर रहे हैं।